तो क्या हुआ, जब तुम्हें पता चले कि तुम जहाँ रह रहे हो उसके आसपास ही नालों में मिले हैं स्कल, वो भी बच्चों के स्कल, और एक दो नहीं 36 से भी ज्यादा। तो हाँ, आज इसी केस की जो अडेप्टेशन करी नेटफ्लिक्स ने, मैडॉक फिल्म्स ने, अगर तुम्हें नहीं पता मैडॉक कौन है तो स्त्री टू मुंजिया ये सारी जिसके अंदर आती है वो एक ही प्रोडक्शन कंपनी है मैडॉक्स, ठीक है। तो उन्हीं ने इंस्पायर होकर बनाई है सेक्टर 36, सेक्टर 36 कह सकते हो, और वो स्टोरी है एक रियल लाइफ केस के ऊपर। अगर तुमने नहीं सुन रखा है तो मैं SRP की वीडियो का लिंक दे दूंगा, तुम देखना और तुम्हें पता चलेगी कितना घिनौनी तरीके से चीज़ें हुई थी और क्या केस के आसपास की पूरी स्टोरी है। और इसमें जो विक्रांत मैसे का पहला लुक तुम देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि भाई शायद से 12th फेल का जो अपना मनोज था उसकी बस मूछें बढ़ गई और कैरेक्टर सेम रहेगा। बट नहीं, यू आर सो रॉन्ग। जब मैंने ट्रेलर का थंबनेल देखा तो मेरे को लगा विक्रांत मैसी होंगे कुछ अच्छे रोल में, बट नहीं भाई, विक्रांत मैसी इतने समझ लिया गया, एक टेम्पलेट में नहीं अटकूंगा, करूंगा अलग अलग रोल ताकि लोग देखेंगे मैं हूँ अच्छा एक्टर, इसीलिए वो निकल आया अब थोड़ा बुरे कैरेक्टर, हाँ विलेनियस कैरेक्टर को निभाने। अगर तुम्हें इस केस के बारे में नहीं पता तो ऐसा था कि बच्चों को लालच देके पकड़ा जाता था, उनके साथ गलत करते थे और कहा जाता था कि उनको मार के काट के लाश में उनकी जो बॉडीज होती थी उनको अपने ही घर के पीछे जो नाला है उसमें बहा देते थे, लिटरली फेंक आते थे, कूड़े की तरह डंप कर देते थे। और जब पुलिस को भनक लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है और जब उन्होंने उस नाले में छानबीन करी तो तुम सोच के हैरान हो जाओ क्या है वो। तो तुम पूरा केस देख ले, नीचे वीडियो मिल जाएगी अगर मेरे को याद रहा। बट क्या होने वाला है क्योंकि स्टोरी हमें पता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी स्टोरी हमें पता है, जैसे कि अभी वो आया था किलर सूट, उसकी भी स्टोरी कहीं ना कहीं थी पहले लिखी हुई। बट इसमें जो चीज़ है ना वो ऐसा है कि मैंने सुन रखा है, और जो ये अडेप्टेशन है वो भी क्लोज लग रही है, क्योंकि जो पागल बना है ना जो विक्रांत में से ये कैरेक्टर में दिख रही है, चॉकलेट दे के बुलाता है और फिर पकड़ के भाई काट रहा है, बुचर बन चुका है बिल्कुल ही, और फिर उसको केयर फ्री हो जाता है वो ही सब काम करने के बाद। आपके मालिक के साथ उसके कुछ हैं रिलेशंस जो कि हमें नेटफ्लिक्स की मूवी जो भी आ रही है उसमें पता चलेगा। तो तब तक के लिए वेट करते हैं और मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और नई कहानी, एक नए ट्रेलर या एक मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, दुरुस्त रहना, और हाँ किसी और के कॉन्टेंट को अपना कॉन्टेंट बताना भूल जाना, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है। मुझे पता है शायद से उन्होंने देखा भी नहीं, बट मुझे थोड़ा बुरा लगा उस टाइम, सेटबैक भी होता है कि क्या अगले 2-3 महीने में मेरा चैनल खत्म हो जाएगा, अगर हो गया तो वो वाला दिमाग में चीज आती है, बट कोप अप कर लेता है इंसान। अगर ये चैनल बंद हो जाएगा तो डोंट वरी, कहीं और चालू होगी ये चीज़ें, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला, और ऐसा मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को खुशी होती है मैं करूँगा, चाहे इस पर करूँ चाहे दूसरा चैनल स्टार्ट करना पड़े, बट मैं ऑडियंस बिल्ड करने निकला हूँ और वो मैं करके रहूँगा। तो हाँ 100 करा दो ताकि धीरे धीरे आवाज़ थोड़ी बुलंद हो सके लोगों के बीच में, ठीक है, बाय बाय।